हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग हमसे अपनी ड्रीम्स शेयर करते हैं, आप में से बहुत से लोग काउंसलिंग पे अपनी ड्रीम डिकोडिंग करते हैं। मैं यूजुअली अपनी ड्रीम्स अपने पर्सन से शेयर करती हूँ। क्यों जी? यस, ऑलमोस्ट एवरी डे मेरे ड्रीम्स, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, मैं इनसे शेयर करती हूँ। हम लोग आपस में बात करते हैं और ड्रीम डिकोडिंग करते हैं। वेल, आज का जो ड्रीम है मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऐसा देखा कि जैसे कि एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान आने वाला है। हमें पता है कि इम्तिहान आने वाला है और हम सभी, क्योंकि ये ड्रीम कलेक्टिव के था, तो हम सभी को पता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इसमें से कुछ लोग बहुत लेज़ी हो रहे हैं, और लेज़ी होने का जो रीज़न होता है कि पूरी सी कलेक्टिव में नेगेटिविटी है, जिसके कारण से हमको आलस आ रहा है, हम लेज़ी हो रहे हैं, इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं। तो ये जो ड्रीम है, जिसको मैं समझती हूँ कि जैसे कि मेरा कल का वीडियो था, जो हमारे कंजेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, अगर मैं उससे कनेक्ट करूँ तो ये बात सच है कि आने वाला समय हमारा भूचाल तो आने वाला है। जिसने ना देखा वो तहलका वाला जो मेरा वीडियो था उसको देखिए। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट इज़ गोइंग टू कम। तो कहीं उसका आवाहन किया जा रहा है, कहीं पहले से हम लोग को एक आवाहन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ ये टाइम आने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मेरा ड्रीम है, इससे आप क्या डिकोड करते हो? हाय फ्रेंड्स, वेल, ये जो आपका ड्रीम था आज का, उससे बहुत कुछ बाहर निकल के आता है। और वो ये है कि नो डाउट ये कंजेशन जो है, इट्स गोइंग टू बी ए टफ फेज फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सब लोगों के लिए ये है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द सोल फैमिली। ये है कि जो सोल फैमिली है और जिन्होंने अपने आप को साल भर मेहनत करी है, एंड दे हैव रियलाइज द 5D कॉन्शियसनेस, वो एक बबल के अंदर हमेशा थे, हैं और रहेंगे। एंड दिस बबल इज़ द बबल ऑफ गॉड, इज़ द बबल ऑफ द यूनिवर्स, एंड दे विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। सो पहली बात तो ये है कि सोल फैमिली को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर के बाद से जो है अर्थ ने करवट ली है और वो 5D कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर गई है। सो अब नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। वन, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है इस फेज में, एंड द अदर जिन्होंने इसके बारे में कोई परवाह नहीं करी है। सो इट इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर देम एक्चुअली। और इसीलिए कहा गया है कि इवन बहुत सारे मतलब वीडियोस में आप देख भी रहे होंगे कि इस पे ये असर होगा, उस पे वो असर होगा। डेफिनेटली होगा, बिकॉज इतने सारे लोग हैं अभी भी जो कि इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किए हैं और उन्होंने इसके ऊपर परवाह नहीं करी है। एंड दैट इज़ वाई दे आर द पीपल जिनको आप देख रहे हो कि टेस्ट तो आने वाला है, बट दे आर एक्चुअली नॉट वरीड, दे आर जस्ट फूलिंग अराउंड अगेन। उन्हें खबर ही नहीं है कि कुछ होने वाला है। हाँ, because उन्होंने इस तरफ से सोचा ही नहीं ना, इस तरफ पे वर्क ही नहीं किया। Because they are stuck in the matrix, 3D में फंसे हैं वो। इसीलिए ये जो कंजेशन है, इसकी वजह से उन पे आने वाला है एक बड़ा प्रभाव। और हम देख ही रहे वर्ल्ड ओवर, द टेंशन इज बिल्डिंग अप। कहीं पे वॉर है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम्स हैं, सारी खड़ी हुई हैं। कोरोना भी अपनी तरफ से पूरी तरफ से गया नहीं है, इट इज स्टिल देयर इन द वर्ल्ड। तो ये सारा चीज़ें हैं और ये आगे बढ़ भी सकती है इस फेज के अंदर। बट एट द एंड इट विल बी कि अच्छाई की बुराई पे जीत। बिल्कुल, एंड दैट इज द मेन की थिंग विच एवरीवन शुड फोकस ऑन। कि एट द एंड ऑफ दिस आप ये देखेंगे
कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो जाएगी और इसीलिए ये उथल पुथल हो रही है। ठीक है, सो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें बहुत सारे चीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो कि इस समय हमें मदर अर्थ को बहुत अच्छे से सर्व करना है, सर्व इन द सेंस कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो गिरने नहीं देना है, बिकॉज देयर बी लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, आपका दिमाग ख़राब होने वाला है। ठीक है, बट उस दिमाग को नहीं ख़राब करने देना है, क्योंकि अभी तक जो आपने ट्रेनिंग ली है उससे आप अपने आप को बड़े आराम से बैलेंस रख सकते हैं। यस, नथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन व्हाट यू हैव लर्न्ड एंड अप्लाई दैट। यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो हमको कहा जाए तो हम से अहम में आना है, है ना? हाँ। और कहीं ना कहीं आपकी बात का जस्ट ये है कि दो हिस्से में बटी हुई है जगत, प्लैनेट अर्थ, 3D एंड 5D। Yes. तो हमको स्पिरिचुअल ईगो नहीं रखना है कि हम 5D में हैं, क्योंकि जहाँ ईगो आ गया वहाँ हम लोग सेफ नहीं हैं। बिल्कुल। तो हमको अपनी जो ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करके रखना है, हमें ये ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स के एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे चारों तरफ बनी हुई है, वी आर सेफ। ठीक है, जहाँ हमने अपने अपने हम में अहम में आ गए, अपने हम के अहम में आ गए, या जहाँ हमने सरेंडर नहीं किया, वहाँ हो सकता है कि हम 5D से 3D में आ जाए या हम अनसेफ हो जाए। सो कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम का मतलब यही है कि यस, ये जो एग्जामिनेशन हो सकता है कि दुनिया के लिए ये एक टफ सिचुएशन है, बट हमारे लिए ये एक एग्जाम है कि हम इस पर, इस एग्जाम में किस तरीके से अपनी एक्सीलेंस देते हैं, हम अपना अपना परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, कितना हमें फेथ है, कितना हमें अपने भगवान पे विश्वास है कि हाँ हमारे चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड रहेगी और वी आर सेफ एंड सिक्योर, और हम किस प्रकार से अपनी अपने जो हमारी अपनी ऑथेंटिसिटी है उस पर हम फर्म रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आ गई वो हम डगमगा गए, तो फिर अगर हम डगमगा गए तो फिर 3D में के लोगों में और हम में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली आई थिंक कि मेरे इस ड्रीम का मतलब यही है। Correct. और ड्रीम में ये भी कहा गया था कि आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है। तो इस वक्त हो सकता है कि हमारे सारे जो लाइक जो हमारी 5 इंद्रियज हैं और 6 जो हमारे थॉट्स हैं, तो इन सब पे कंट्रोल मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, सही अच्छी चीज़ें ही देखनी है, अच्छी चीज़ें ही सोचनी है और अच्छे ही कर्म करने हैं, एंड ये चीज़ें ही आपको आगे ले जाने वाली है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब मेरे ड्रीम को डिकोड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर बाकी सबको इंस्पायर करने के लिए। ये वीडियो मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, हो सकता है कि मैं इसको इवनिंग तक अपलोड करूँ, लेकिन तब तक आपको मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।